नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता आज़ाद गांधी जी हैं और पूर्व MLC भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि राजद क्या टूट पर है, BJP से मिल चुकी है। 3 विधायक आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर बंद कमरों में करीबन आधा घंटा तक मुलाकात हुई है, क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सभी के बारे में, जो विभा देवी जो है नवादा के विधायक हैं, नगर पालिका की जो समस्या है नवादा का जो था उसका एक संचिका और विकास संबंधी बातों को लेकर करके वो मिली थी। मिलने के पहले भी हमारी बात उनसे हुई थी कि हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। तो अगर वो उप मुख्यमंत्री हैं तो अगर अपनी आवाज़ को हम दो जगह रख सकते हैं। प्रथम प्राथमिकता हमारा नेता तेजस्वी यादव जी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, मैं अपनी बात रख सकता हूं। दूसरी बात है कि हम सदन में समस्याओं को रख सकता हूं, गैर सरकारी संकल्पों के माध्यम से या ध्यानाकर्षण के माध्यम से। और तीसरा है जो मंत्री हैं बिहार सरकार के या उप मुख्यमंत्री हैं, बात तो रखना पड़ेगा विकास के लिए। तो इसमें कोई बड़ी मायने नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रहा है कि राजद का विधायक टूट पर है, लेकिन वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की खिचड़ी पकने दीजिए। देखिए, तारकिशोर प्रसाद जी क्या कहेंगे, ये तो खुद बेचारे सहारा लेकर करके वो जिंदा हैं। अपना वजूद उनको तो है नहीं, अब जब मैं कई वर्षों से मैं उनको जानता हूँ। लेकिन इतना बात तय है कि राष्ट्रीय जनता दल में आने के लिए जो गठबंधन के जो लोग हैं उनका कई लोग कह रहे हैं कि हम इस सेक्युलर फ्रंट में आना चाहते हैं। लोग भविष्य की राजनीति लोग करना चाहते हैं कि भविष्य किसके साथ है। तो आज का जो भविष्य है, राजनीति का जो भविष्य है, वह तेजस्वी यादव जी स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं कि आज हो या कल हो बिहार की बागडोर नेता तेजस्वी यादव जी के हाथों में होगी। एक सवाल और है, जिस तरह से कल आम बजट आया और आम बजट के बाद जो है बिहार को कोई सौगात नहीं मिला है, उस राज्यों को सौगात मिले हैं जिस राज्य में चुनाव हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य को लेकर मिला है और जो 75 वर्ष से उम्र के अधिक व्यक्ति हैं उन्हें अब टैक्स नहीं देना होगा। देखिए, हम तो जब बजट के पहले यह महसूस कर रहे थे कि बिहार को अबरी बार जरूर स्पेशल जो पैकेज मिलने की बात, जो नीतीश कुमार जी हमेशा लड़ाई लड़ते थे, पैकेज, आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य के दर्जा की बात, और उन्होंने कई बार अपने सभाओं में भी कहा था कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन NDA के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर एक बात उन्होंने यह भी कहा था कि जो विशेष राज्य का देने की बात करेगा उसके साथ हम जाएंगे। काहे कि वो तो आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं। तो हम लोगों को, बिहार वासियों को लगा कि अब रिक्त सौगात जो है मिलने वाला है, बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा जिससे गरीबों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा, लेकिन नहीं मिला। आप देखिए, हम लोगों का कई वर्षों से मांग है पटना विश्वविद्यालय के संबंध में, केंद्रीय का विश्वविद्यालय की दर्जा देने की बात थी, वो भी नहीं हो सका। गरीबों के लिए जो आर्थिक पैकेज की बात थी, दूसरा और विशेष महत्वपूर्ण बात था कि जो लॉकडाउन के दरमियान में जो उद्योग धंधे बंद पड़े थे, जिसको कोई साधन नहीं था, अभी तक बंद पड़ा हुआ था, उसके लिए सरकार यह कह रही थी जब बजट नहीं बना था कि उनका हम सूद माफ़ करेंगे। आप बताइए, जो 6 महीना 7 महीना से जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी उसको कहाँ से इंटरेस्ट देगा? उसका इंटरेस्ट भी इस बजट में पास नहीं हुआ। और जो है सरकार जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम समाज को उठाने के लिए, गरीबों को उठाने के लिए इस बजट में कोई ऐसा हमने प्रावधान नहीं देखा। जो युवाओं की हालात काफ़ी ख़राब है, युवा बद से बदतर की स्थिति में जी रहा है, इसलिए जो है हम लोग जो है युवाओं को दर किनारे रखा गया है, युवाओं के लिए कोई रोज़गार का साधन नहीं दिया गया है इस बजट में। तो हमको लगता है कि जो बजट का नहीं दिया है, युवा बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट से क्या क्या अनुमान लगाया जा सकते हैं? हम लोग तो इस बजट का घोर विरोध करते हैं।
और हम संशोधन की मांग करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अभी भी पहल करें इस पर, युवाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़ों के लिए एक स्पेशल पैकेज बिहार में आना चाहिए, जिसकी हालात बस से बदतर है ना, तो बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो बिहार विकास नहीं करेगा। तो आम बजट पर सवाल जो थे हमारे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आम बजट में अब संशोधन होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बजट है वो गरीबों के लिए नहीं है, बेरोजगारों के लिए नहीं है। इसको लेकर आज़ाद गांधी ने बेबाकी तरीके से अपनी सवाल का जवाब पूरी ठोस तरीके से उन्होंने एसडी न्यूज़ के सामने आज रखा है और कहा है कि जल्द ही जो है आम बजट, जो बजट है उसमें संशोधन की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे एसडी न्यूज़ के साथ।